इसके बाद मैन ऑन द मिशन और एक जो आइडिया है अनुभव से जोश तक का, जिस बंदे का इस ये आइडिया है और जिसको हम आज यहाँ पे साकार कर रहे हैं, मैं उनके उससे बुलाना चाहूंगा और अपने वो भी अपने दो शब्द आपसे कहना चाहेगा, कपिल पनपालिया। हेलो फ्रेंड्स, आइडिया तो एक्चुअली सबका एक साथ ही मिलके था, पर ये एक ज़रूरत मुझे लगी थी इसलिए हमने इसके ऊपर विचार किया और इसको एग्जीक्यूट किया था। मैं अभी आपके साथ एक अपना, जब मैं 8 से 12 का था, मतलब मैं अपने आप को वो कैटेगरी मानता हूँ जो 80% बच्चे होंगे एवरेज या अराउंड एवरेज, जिनको सही में यही टेंशन रहती थी कि लंच बॉक्स में क्या खाना आया है। अगर मैं 8वीं क्लास में था तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये थी। दूसरी कि टीचर उठा ना ले सवाल पूछने के लिए। देखो बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, बट मेरे जैसे तो मेरे आजू बाजू में बहुत थे जिनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई टीचर ना उठा ले, होमवर्क ख़त्म हो नहीं पाता था, ऐसी कई मुसीबत है और ये एवरेज है। बट मैंने अपने जीवन में ये देखा, देखो हम एवरेज रहते हैं तो एवरेज रह ही जाते हैं। एवरेज रहना हमारा चॉइस हो जाता है। चॉइस इसलिए, जैसे अभी जैसे अपने से पहले विवेक ने या जिन लोगों ने भी अपनी अपने जीवन में अभी तक कुछ भी पाया है या हासिल किया है, उन्होंने अपना चॉइस चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि नहीं मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ करना है। तो मैं अपना रिसेंट एक अनुभव बताता हूँ जो मैंने लॉकडाउन में ट्राई किया, जो मैं भी क्या कुछ बुके, पहले मेरे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अपने पूरे टाइम में या मैं अपने आजू बाजू में सबसे ठोट कहते हैं ना, ठोट मतलब कम पढ़ा हुआ। एक्चुअली मुझे लगता था कि मुझे आता नहीं है, मैं कोशिश करता था और मेरे जैसे कई बच्चे करते होंगे कोशिश, पर क्या है भाई सबकी कोशिश साकार नहीं होती। पर जीवन बहुत बड़ा है, मेरा ये अनुभव है कि जीवन इतना बड़ा है कि आदमी अगर सच्चे मन से मेहनत करे तो कुछ महीने में वो अपने आप में बदलाव देख सकता है और कुछ ही सालों में वो बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी का कंपटीशन देखते हैं ना, अरे इन्होंने तो 10 साल में ये कर लिया, इन्होंने 15 साल में ये कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, जीवन बहुत बड़ा है, हम हर टाइम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। तो अब मैं एक सिर्फ एक एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं जो मैंने अपनी रिसेंट लास्ट ईयर में अनुभव किया है। टाइम को दो चीजों में बांटो, बच्चे लोग, खास लोग, आप लोग बांटो, क्योंकि ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया जिससे बहुत ज्यादा बदलाव आया मेरे जीवन में। तो मेरे को लगता है अगर आप लोग करोगे तो आपको भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एच है ना वो मिलेगा। देखो मेहनत तो सब बच्चे करते हैं, कॉम्पिटिशन ऐसा चीज है ना कि आपको उस टाइम वो चीज याद आ जानी चाहिए जो उस टाइम किसी और को नहीं आती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसने वो चीज पढ़ी नहीं है। ओके, तो क्वालिटी टाइम होता है ना, दिन का कुछ क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मैंने वो कैसे किया, मेरे को ऐसा लगा कि भाई चलो, मैं कई सालों से अपना एक खुद का बिजनेस चला रहा था, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा था, वो कई तरीके से अपनी जगह पे एवरेज चल रही थी। अब एवरेज से आगे कैसे ले जाए, उसी तरह मैं अपन अगर एज ए स्टूडेंट देखते हैं तो अपन कई टाइम से पढ़ रहे हैं भाई, 8 घंटे की स्कूल होती है, 2 घंटे की ट्यूशन होती है, ये सबके जीवन में होता है। बदलाव एक एज जो चाहिए ना वो है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम कब आता है, जब आप तब काम करो जब कोई काम नहीं कर रहे। ये आपने सुना होगा अर्ली 3 आवर्स, सुबह 4 बजे उठ के 4 से 7, ये जो 3 घंटे होते हैं ना, उठ के देखो जब कोई नहीं उठता, जब सूरज भी नहीं उठता है ना, तब उठने का जो मजा है ना वो और कभी नहीं होता। आप उठोगे आपको ये लगेगा सब सो रहे हैं, अंदर से क्या खुशी मिलेगी, यस मैं जगा हुआ। आपको लगेगा कि कुछ दिन उठोगे आपको लगेगा यार नींद आ रही है, पर नहीं आएगी नींद। क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिलेगी कि आपने कुछ किसी और से आगे किया है। और उसके साथ साथ जब आप उस क्वालिटी टाइम में कुछ भी पढ़ोगे या कोई भी चीज को आप स्पेंड करोगे तो वो आपके लाइफ में चेंज आएगा। मैंने मेरे लास्ट 6-8 मंथ में इस चीज को अप्लाई करके देखा और लिटरली बहुत बदलाव आया है। तो जैसे कि टिप्स हमको मिली कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, किसी को समझाना चाहिए, किस चीज पे इंटरेस्ट है उस पर वर्कआउट करना चाहिए, इन सबके साथ एक चीज जरूर ऐड करो, 24 घंटे में 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आपके पास कोई ना हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सुबह ही जल्दी उठो, कोई किसी को रात को पसंद है वो रात को कंटिन्यू करो,
पर जब सो रहे हो सब लोग और आप जग रहे हो तभी आप बदलाव ला पाओगे इस दुनिया में जहां हजारों करोड़ों लोग हैं। अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको उस वक्त इतनी शांति मिलेगी और इतना बढ़िया लगेगा ना काम करने में कि उसको आप जरूर करिए। अब इसके साथ अब दूसरी चीज मैं ऐड करता हूँ, हमारी जो ये इनोवेटिव करियर गाइडलाइन है इसके सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें अभी हमारे बाद मतलब कुछ और वक्ता बोलेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेमिनार होगा, वो आप जरूर उसके अंदर अपने अपने क्वेश्चन आंसर कीजिए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी सीरीज है जो करियर गाइडलाइन की है इसको हम मंथली बेसिस पे ऑनलाइन या ऑफलाइन बेसिस पे लेके आएँ। आप लोगों को जो भी फॉर्म मिले हैं उस फॉर्म को आप फिलअप करके स्केच आउट करके हमको यहाँ सबमिट करिए, तो हम आपको उसके थ्रू आपके जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हम उसको अपने समाज से, अपने समाज के बाहर के, अपनी फील्ड के अच्छे, क्या पता किसी दिन आपको नरेंद्र मोदी से भी हम बात करवा सके। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जिस तरीके से भी जो भी लोगों से मिलना हो, जानना हो। हमने पता है करियर गाइडलाइन सेमिनार के आगे इनोवेटिव वर्ड क्यों डाला, बहुत सोच समझ के डाला था। अभी जो हम कर रहे हैं ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन कब होगा, जब हम उसी आदमी से बात करें जो वो लाइफ जी चुका है, उसने कैसे वो चीज चूज की। आज आपके सवाल कैसे होने चाहिए, अभी तक मैंने ये देखा है कि बच्चों ने अभी तक सवाल नहीं पूछे हैं, पर बच्चों को बताऊं कि आपके जीवन में अभी सवाल कैसे होने चाहिए कि मैं कैसे चूज करूं। क्योंकि जब आप 8, 9, 10, 11, 12 में होते हैं तब आपको सही में बताऊं अपना इंटरेस्ट पता करना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही लकी लोग होते हैं मैं मानता हूं जिनको अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें चल रही है। ये बच्चे को बहुत सही से मेरी बात समझ में, इंटरेस्ट नहीं पता चलता ना, इंटरेस्ट पता करना बहुत मुश्किल है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इंटरेस्ट के ऊपर वर्कआउट ना करें। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, जैसे मान लो कि भाई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या हमारे पास जो भी अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जब आप उनसे ये पूछे कि भाई आपने ये चीज कैसे चूज की, जब आप 8वीं में थे, जब आप 10वीं में थे, आपने इस चीज को किस नजरिए से देखा। किसी ने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए किया होगा, किसी को अपने आजू बाजू के किताबों से इंटरेस्ट मिला होगा, किसी को उसकी टीचर ने इंस्पायर किया होगा। तो वो रिसोर्स जानना आज की तारीख में जरूरी है कि मैं कैसे डिसाइड करूं, किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को समझूं और कैसे करूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर बच्चों से, कि अभी जो आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें प्लीज क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि मुझे मेरे पूरे एजुकेशन लाइफ में एक भी क्लास, एक भी टीचर का वो कहते हैं ना लेक्चर या फिर क्लास याद नहीं है, पर एक ही याद है, जब मेरी टीचर ने मुझसे क्वेश्चन किया था या हमारी क्लास से क्वेश्चन किया था कि हमारे शरीर का एक ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसे कौन से पार्ट हैं जो जिनमें खून नहीं है, जिनमें नस नहीं है, जिनमें कुछ भी चीज की महसूस नहीं होता पर वो ग्रो करता है। बाल, नेल्स, और बुद्धि। राइट। तो ये क्या हुआ, ये क्यों, ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, पर वो टीचर क्यों याद रह गई, क्योंकि मैंने आंसर दिया था। कोई चीज हमें कब, किसी चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। यूं तो यूट्यूब पे इतना डेटा है ना कि कोई आदमी 500 साल लगातार बैठ जाए ना आज की तारीख से तो भी शायद खत्म नहीं होगा। पर कोई भी एक छोटा सा वीडियो आपने देखा और उसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, उसमें इन्वॉल्व होते हो, तो वो आपको ज्यादा महत्वपूर्णता देता है। उसी तरह आज भी आप क्वेश्चंस पूछिएगा अभी हमारे क्वेश्चन आंसर सेमिनार में, और हमारे आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट। जबरदस्त कपिल, हां।